नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं एक्सिस 24। विराट कोहली का अब नाम रिकॉर्ड कोहली होना चाहिए। जी हाँ, जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं और जो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं, अब लगता है उनके नाम में बदलाव आएगा और दुनिया उन्हें रिकॉर्ड कोहली कहेगी। आप जान रहे हैं सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड, जो कुछ सालों पहले लगता था कोई तोड़ नहीं पाएगा, अब विराट कोहली इतने करीब आ गए हैं और उतने कम इनिंग्स में आ गए हैं, जिसको लगता है कि अब 2020 या 21 ऐसा साल होगा कि जब सचिन तेंदुलकर से आगे विराट कोहली निकल जाएंगे। विराट कोहली काफ़ी उम्र कम है, फिट है, जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। और उसका बता दें, जो अभी आप वेस्ट इंडीज़ के साथ सीरीज चल रही है उसमें इंडियन टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, मैचेस जीत रही है, कल का मैच भी जीता, लेकिन कई सारे रिकॉर्ड्स बन गए। सौरभ गांगुली का रिकॉर्ड 11,363 रनों का उससे आगे निकल चुका है। और सबसे कमाल बात, 238 मैचों में 229 इनिंग्स, और जहाँ की आपको सौरभ गांगुली को 300 ज़्यादा मैचेस लग गए, और वहीं आपको सचिन जो 18,000 रन, वो 400 मैचेस में इस तरह का रिकॉर्ड बनाया। अब लेकिन एक कहानी है जो बोलते हैं ना कि जो पूर्व में अनुमान लगाया हमारे जो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने, वो कहीं ना कहीं सच होता दिख रहा है। सचिन तेंदुलकर ने जब कुछ साल पहले मुंबई में एक कार्यक्रम था तो उसे पूछा गया, क्या आपको लगता है आपका रिकॉर्ड कभी टूट नहीं पाएगा या वो परमानेंट हो जाएगा 100 शतकों का? तो उन्होंने कहा था, नहीं ऐसा तो नहीं, कोई ना कोई रिकॉर्ड तोड़ेगा। तो उन्होंने उनसे पूछा था कि आपको क्या पसंद आए, कौन आपका रिकॉर्ड तोड़े? तो उन्होंने उस वक्त दो नाम लिए थे, विराट कोहली और रोहित शर्मा। विराट कोहली काफ़ी करीब आ गए हैं 42 शतक, कम से कम वनडे का जो शतकों का रिकॉर्ड है उनका। अब सचिन का वो अब एक दो साल की बात और रह गई है जब टूट जाएगा। हालांकि रोहित शर्मा इसमें काफ़ी पीछे है, 27 शतक ही मारे हैं, लेकिन रोहित शर्मा अपने क्लास के प्लेयर है। अगर एक बार वो सीजन में चल गए तो 8-10 शतक कब निकाल दें कब पता नहीं चलता। वैसे आप जान रहे हैं बीच में खबरें आ रही थी रोहित शर्मा विराट कोहली के बीच के जो संबंध है वो उतने अच्छे नहीं चल रहे हैं, लेकिन अब पुरानी बात हो गई। मीडिया पे भी जो बातें चल रही थी वो सब बंद हो गया। सीरीज हम जीत रहे हैं, आगे बढ़ चुके हैं और इतनी अच्छी खबरें आ रही हैं और भारतीय क्रिकेट के लिए बड़ी बात है, आने वाली सीरीज़ के लिए बड़ी बात है, टीम स्पिरिट बना हुआ है। तो हम देखेंगे कि आने अब जब कितना वक्त लेते हैं विराट कोहली, ये इम्पॉर्टेंट है। कितने 2019 में भी अभी आपको 4 महीने बाकी हैं, 2020 में हम लोग कई सीरीज़ खेलने वाले हैं, तो देखना होगा 2020 तक कब तक वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे, पहले 6 महीने हम तोड़ लेंगे या 2020 पूरा कंप्लीट करेंगे, इस पर हम देखेंगे। लगातार हम क्रिकेट पे नज़र बनाए रखते हैं। अगर क्रिकेट से जुड़ी रोचक जानकारियां आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल एक्सिस 24 को सब्सक्राइब करें।